आईफोन 11 आपको एक साल के बाद ये लेना चाहिए क्या नहीं, आज इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। अगर मैं आईफोन 11 की डिस्प्ले के बारे में बात करूँ जो कि 6.1 लिक्विड रेटिना एचडी डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 1792x828 पिक्सल है, जिसके अंदर 360 PPI है और जो इसकी ब्राइटनेस है वो 625 निट्स की है, जिसके अंदर आपको इंडोर या आउटडोर में जो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। और अब परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 11 में A13 बायोनिक चिप मिलती है जिसे बेसिक टास्क से लेके हैवी गेमिंग करो या 4K वीडियो एडिटिंग कर लो, कुछ भी करो, आपको इसमें कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसमें सारे सेंसर आपको बेसिक्स मिल जाएंगे और IP68 की रेटिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के मामले में आपको इससे कोई शिकायत होने नहीं वाली, आपको बिल्कुल एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। और बैटरी बैकअप की बात करूँ इसमें तो टिपिकली इसके अंदर 3110 mAh की बैटरी है जिसको मैंने ट्यूसडे को 11:47 AM पे चार्ज किया था बिल्कुल 100%। तो नेक्स्ट डे की शाम को 7:30 बजे के आसपास मैंने इसको नेक्स्ट टाइम चार्ज लगाया और इसमें फिर भी 13% बैटरी रिमेनिंग रह गई थी, तो अप्रोक्स इसने मेरे को लगभग 5:30 के आसपास स्क्रीन टाइम दे दिया था। तो इसकी जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छी है, अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपका 1 से 1.5 दिन निकल जाएगा, आप हैवी यूज़र हैं तो आपको एक बार शायद चार्ज करना पड़े फ़ोन को। और अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो इसके अंदर फ्रंट और रियर को मिला के 3 कैमरे हैं जो कि तीनों के तीनों 12 MP कैमरे हैं। जो रियर वाला कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड और एक वाइड एंगल वाला है। तो मैंने इसे कुछ फ़ोटो क्लिक करी हैं तो उसके सैंपल ये रहे। और अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की, तो अगर आप ऑफिशियल एप्पल पे जाके साइट पे जाके अगर इसकी प्राइसिंग चेक करोगे आईफोन 11 64 GB वेरिएंट की तो वहाँ पे आपको शो करेगा 54,900 की, और जो 128 GB वाला वेरिएंट है उसकी है 59,900 रुपीज़। और इस पर बैंक ऑफर आते रहते हैं तो आप चेक कर सकते हो, 2 से 3 हज़ार आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। पर जो एक मेन बात है, एप्पल ने जब आईफोन 12 लॉन्च किया तो उसने ईयरफोन्स और चार्जिंग अडेप्टर हटा दिया, तो सेम आईफोन 11 के अंदर भी अगर आप एप्पल के साइट से लो या स्टोर से लो तो आपको ना तो ईयरफोन मिलेंगे ना चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा, सिर्फ एक लाइटनिंग टू USB-C केबल मिलेगी बॉक्स के अंदर। अगर मैं मेरे वाले मॉडल की बात करूँ तो मेरा वाला 128 GB वाला है जो कि मैंने अमेजन ग्रेट इंडिया सेल पर लिया था, जो मेरे को पड़ा 49,999 का दिया। तो सेम आईफोन 11 के अंदर भी अगर आप एप्पल के साइट से लो या स्टोर से लो तो आपको ना तो ईयरफोन मिलेंगे ना चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा, सिर्फ एक लाइटनिंग टू USB-C केबल मिलेगी बॉक्स के अंदर। अगर आपको भी आईफोन 11 लेना है तो दिवाली से पहले दोनों फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों के ऊपर सेल दोबारा आएगी, जिसमें आईफोन के अंदर आपको ईयरफोन्स और चार्जिंग अडेप्टर मिलने वाला है। अब इस फ़ोन को 1 साल से ऊपर हो गया तो आपको ये फ़ोन लेना चाहिए क्या नहीं, तो मेरा जवाब है हाँ बिल्कुल आप इस फ़ोन को ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका आईफोन 12 का बजट नहीं है तो जो आईफोन 11 है इसके अंदर आपको बिल्कुल कंप्लीट पैकेज मिलता है, अच्छी बैटरी बैकअप, स्मूथ परफॉर्मेंस। हाँ, इसके जो डिस्प्ले है वो LCD है, OLED नहीं है, पर जो इसकी जो LCD डिस्प्ले है ना उसके भी जो व्यूइंग एंगल्स हैं और जो इसकी ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है। और एप्पल जब भी अपना नेक्स्ट आईफोन निकाल लेगी 2021 के अंदर तो आप ये चीज़ देख लेना कि जो आईफोन 11 है इसको एप्पल डिसकंटिन्यू नहीं करने वाली है, इसका प्राइस और कम हो जाएगा पर ये आप इसको फिर भी बाय कर सकते हो 2021 के अंदर भी। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।